आपके बारे में बताइए और आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा जो कंपनी का नाम है वो जयश्री प्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड और ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। हमारा जो प्लांट है वो चांगोदर करके एरिया है, वहाँ पे है और इट इज़ अंडर वन रूफ। और पूरा जो हमारा सेटअप है वो जर्मन प्लांट है। चाहे हम जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में करते हैं, जो आज पैकेजिंग का चालू है, लोग काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पैकेजिंग के हिसाब से, ठीक है। और हमारा जो काम है वो हम बहुत स्पेशलिटी एप्लीकेशन में पैकेजिंग करते हैं, जिसको हम बैरियर एप्लीकेशन बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जहाँ पे आपको शेल्फ़ लाइफ कम से कम 3 महीने से लेके 24 महीने तक का लगता है, उस टाइप की फ्लेम पैकेजिंग सोल्यूशन हम कस्टमर्स को देते हैं। और उसके एप्लीकेशन जो है वो फूड इंडस्ट्री से लेके फार्मा इंडस्ट्री से लेके बेवरेज से लेके हर जगह पे अप्लाइड होता है, जहाँ पे भी आपको शेल्फ लाइफ का एनहांसमेंट लगता हो, ठीक है, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर हम डील करते हैं। और इसमें ऐसा है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हम उसको बोलते हैं को एक्सट्रूडेड 7-layer 5-layer टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो जो मोनोलेयर फिल्म बनाती है पर वो 5 layer में और 7 layer में बनाती है। साथ में हमारे पास जो अदर फैसिलिटीज़ है वो हम उस पर प्रिंटिंग भी करते हैं, और प्रिंटिंग में भी हमारे दोनों टेक्नोलॉजीज़ है जो वर्ल्ड वाइड रेनाउंड है। वो एक जिसको बोला जाता है कि रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग, दूसरा होता है CI फ्लेक्सो प्रिंटिंग। तो दोनों हम करते हैं, दोनों हमारे पास इम्पोर्टेड प्लांट है। अच्छा। और हमारा एक्सपोजर अभी मार्केट में काफ़ी अच्छा है जो हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट। हमारा जो अभी नया एक मशीन हमने 7 layer का लिया हुआ है वो बिल्कुल न्यू जनरेशन मशीन है, WNH का, जिसको विंड मोलर बोला जाता है। और उस पर वो मशीन एंटायर साउथ ईस्ट एशिया में इकलौता अभी तक है, और किसी के पास साउथ ईस्ट एशिया में मशीन है नहीं। अच्छा, तो मतलब वो आपने अभी लॉन्च किया है जो सिर्फ आपके पास ही वो मशीन है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका दूसरा साल है खाद्य खुराक के साथ, तो ये दूसरे साल में आपको कैसा फ्रूटफॉल मिल रहा है, और खाद्य खुराक से अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो वो कैसे हुआ है, और उसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, हम उनको ज़रूर थैंक्स करना चाहेंगे जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि हमारा पहले साल का एक्सपीरियंस जो था लास्ट ईयर जो हमने किया तो उसमें हमको जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्स मिला था। वैसे मैं आपको पता होना चाहिए कि एग्जीबिशन इज़ नॉट ओनली फॉर द बिज़नेस, इट इज़ फॉर द फुटफॉल्स। और आपको लोग आपको जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ गैदर होते हैं, उसमें हमको वो फ़ायदा हम ज़रूर देखते हैं कि हमें लोग जाने पहचाने कि हम क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। बिज़नेस का अगर हम सेकेंडली बिज़नेस का हम देखते हैं तो ऑब्वियसली बिज़नेस तो हमें मिलता ही, और लास्ट ईयर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इन टर्म्स ऑफ पाउचिंग। हम और बाकी चीज़ें भी करते पाउच के अलावा, और पाउचिंग का जो होता है वो जो बैरियर पाउचेस होते हैं जिसके एप्लीकेशन ड्राई फ्रूट इंडस्ट्रीज में होता है, खाकरा इंडस्ट्रीज में होता है, बहुत जगहों में चलता है, तो उस पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। हमने बिज़नेस भी अच्छा खासा जनरेट किया, और लाइक वाइज द सेम इज़ हैपनिंग दिस ईयर ऑल्सो, एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स, और हम उससे काफ़ी सेटिस्फाइड है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर कि उन्होंने इस तरीके की चीज़ ऑर्गेनाइज किया है। और नॉट ओनली हम अपने लिए बता रहे जयश्री के, ऑन बिहाफ ऑफ जयश्री, हम सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए उनको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और मिलता रहे। थैंक यू।